आस्था और विश्वास गणपर्व छठ पाई चलचंचल झारसुगुड़ा लोकों आस्थार महापर्व छठ पूजा राज्यर विभिन्न स्थान में अनुष्ठित होइछि। कोरोना काल में भी श्रद्धालु माने संपूर्ण भक्ति भाव सहित तो पर्व को पालन करुछन्ते। झारसुगुड़ा सहरांचल बीटीएम कॉलोनी बक्सी छक बुरमाल सरवाहाल पुराणावस्ती समेत ब्रजराज नगर मंडलिया बेलपहाड़ सहित बंधवाहाल विभिन्न जलाशय व्रतधारी माने सूर्य को पूजा करिछन्ते। व्रतधारी माने रात्रि उजागर रहिबा सह आज उदित सूर्य को अर्घ्य प्रदान करी सेमानक व्रत भंग करिवे। प्रकाश रणा आम प्रतिनिधि अच्छा सीधासल नहीं चलु झारसुगुड़ा अधिक सूचना पई। प्रकाश आज हूँ छठ पर्व विश्वास और भक्तिर पर्व किभली भाव उत्तर भारतीय माने खास करी पर्व को पालन करुछन्ते जहाँ सीधासल चित्र देखा तो देखु अपूर्व ये हूँ गणपर्व महागणपर्व छठ पूजार काली प्रथम दिन आज हूँ शेष दिन काम देखिले कि संध्या बेले अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य दे आरंभ कर व्रताधारी मान पूजा आज ठीक उदयगामी सूर्य को पूजा कर अर्घ्य दे जो मैंने व्रताधारी कारण 24 घंटा से मैंने निर्जला उपवास खाली पादर चलिक मुंडे जहाँ फल ये सब धरिक आस पूजा पाठ करते आज सका आम देखिल झारसुगुड़ार जो जलाशय अच्छी चौकीपड़ा जलाशय ये अहेतुक भिड़ी भक्त मान भितर एत थे आसिकी से पूजा पाठ करते आसतु पचार बुझा जन भक्त को कि भैया आप लोग जो आज का जो पूजा था आज का पूजा का क्या विशेषत्व है और क्या क्या किया जाता है। कल तो हम तो देखे जैसे डूबते हुए सूरज को पूजा किया गया, आज इतना सुबह सुबह पूजा होता है, क्या मतलब रिवाज क्या है? ये आज उगते हुए सूरज का पूजा होता है और उगते हुए आज सूरज का पूजा होता है। हमारा ये छठ पूजा खरना के दिन से ही 36 घंटा का निर्जला होता है और ये बिहार के साथ साथ पूरे राज्य पूरा वर्ल्ड में मनाया जाता है 3 दिन का ये निर्जला व्रत होता है। शाम को ये पूजा आरंभ होता है और आज सूरज भगवान निकलते ही ये अस्त होता है पूजा को। ये हमारा छठ पूजा संदेश देता है, दुनिया कहती है कि जो उगता है जो अस्त होता है फिर उदय नहीं होता। हमारा छठ पूजा कहता है कि जो अस्त होता है उसका उदय भी होता है, यही हमारा छठ पूजा का संदेश है। देखिले तो छठ पूजा गोटे अनोखा संदेश दिया जाऊँगी जमती कि जार अस्त अच्छी तार उदय अच्छी से गत काली अस्तगामी सूर्य को पूजा कर आज उदयगामी सूर्य को पूजा कर आम जमी देखे भक्त मैंने ये थंडारे पा भितर पशिक पूजा पाठ करुले आम जमी जाणीचे देखो हिंदू धर्म हूँ आम प्रकृतिर उपासना प्रकृतिर पूजा हुए आम हिंदू धर्म दुई दिन है जलाशय को सफा सुतर कर जो मैंने व्रताधारी मैंने निजर मनस्कामना पूर्ण पाई आसती व्रत रखापाई जिते बड़े मनस्कामना पूरण हो जाए से व्रत करती आसतु आउ जन को पचार बुझा। अच्छा भैया आज जो आप लोग सुबह आए हैं यहाँ पे पूजा के लिए जो माँ लोग भी आए थे तो आप लोग का क्या रिवाज था आज इतना सुबह सुबह? यह पूजा मुख्य रूप से 4 दिन तक चलता है। पहला नहा खा होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन इसको उषा अर्घ बोला जाता है, संध्या अर्घ होता है तीसरे दिन शाम को, और जो चौथा दिन होता है उसको उषा अर्घ किया जाता है जिसमें कि सुबह भगवान का पूजा किया जाता है। मान्यता अगर ब्रह्मरथ पुराण में देखा जाए तो इसका वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है। पूरा इस पूजा के द्वारा जो कर्ण माता कुंती थी उन्होंने कर्ण की प्राप्ति की थी और जब भगवान राम अयोध्या पहुँचे थे उसके बाद उन्होंने भी लव कुश के जन्म के लिए उन्होंने भी इस व्रत का पालन किया था और अयोध्या में और पूरा भारत के जो नॉर्थ जो उत्तर भारतीय हैं प्रायः सभी राज्यों में उत्तर भारतीय लोग इस पर्व को मुख्य रूप से मनाते हैं और हमारा ये चौकीपाड़ा में भी प्रायः कई वर्षों से मतलब माना जाता है 1938 ईस्वी से इस छठ पूजा को यहाँ पे प्रायः मुख्य रूप से मनाया जा रहा है सबके द्वारा। इतना जो फल हम देखे कि बहुत बड़े टोकरी में इतना सारा फल लेके आते हैं उससे क्या करते हैं? देखिए उसको दौरा बोला जाता है और दौरा में हर तरह जो पूजा जो फल होता है उसको मुख्य रूप से रखा जाता है और सुबह उसको 2 बार में अर्घ दिया जाता है। तो इस पूजा यही एक ऐसा पूरा दुनिया उगता हुआ सूरज को अर्घ देता है लेकिन बिहारी समाज जो उत्तर भारतीय समाज है वो उठता और साथ ही डूबता हुआ भी सूरज को अर्घ देता है।
यही हमारी एकता और अखंडता का मुख्यतः एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा पूजा है जिसमें हर भारतीय नॉर्थ भारतीय पूरा एकजुट होता है और सब एक परिवार के रूप में इस पूजा को करते हैं। तो आस्था विश्वास गणपर्व छठ पर्व झारसुगुड़ा में पालन करा भक्ति और भाव सहित कोरोना कटकणा भितर धार सीधा लोक चित्रम प्रतिनिधि पहुँचाऊ।